हेलो बच्चा लोग सलाम नमस्ते सस्काल मैं हूं आपका बायो टीचर विजय सर तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो अपना टॉपिक चल रहा था लाइफ प्रोसेस उसके अंदर अपन लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं जिसका नाम है एक्सक्रीशन तो जैसा कि बच्चों अपन सब पढ़ते हुए आए हैं और छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आए हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है

एनिमल्स में देखने को मिलता एक्सक्रीशन दोनों में देखने को मिलता तो बच्चों होता है क्या जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सभी को पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी मेटाबोलिक प्रोसेसिस को चलाते रहते हैं अब चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो मेटाबॉलिक प्रोसेस चलते रहते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी केमिकल जो भी होती है, वो कंटिन्यूसली चलती, चलती रहती है अब बच्चों जो भी केमिकल रिएक्शन चलती है उसके अंदर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरेट होता है और उसी वेस्ट प्रोडक्ट को अपन बोलते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या फिर एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या बोलते हैं बच्चों लिख लीजिए एक्सक्रीटरी वेस्ट अपन बोलते हैं तो जब एक्सक्रीटरी वेस्ट अपनी बॉडी में एक्सेस में जमा हो जाता है तो बॉडी को उसको निकालना जरूरी हो जाता है बॉडी शुड गेट रेड ऑफ दिस एक्सक्रीटरी वेस्ट बॉडी इनसे छुटकारा नहीं पाएगी तो बॉडी में बिल्डअप हो जाएंगे और पर्सन की वहां पर डेथ होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है जैसे कि आपको पहले भी था बच्चों, कि वो सारे न्यूट्रिशन डिस्कस कर चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन रेस्पिरेशन डिस्कस कर चुके हैं जो लास्ट टॉपिक वो है एक्सक्रीशन चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों पहले अपन प्लांट्स की बात करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स देखिए जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड ऑक्सीजन देखिए इधर अगर मैं यहां पे हाईलाइट करूं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और ऑक्सीजन ये जो तीन होते हैं तीन मेन वेस्ट या फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स यहां पर होते हैं अब अपन आगे देखेंगे कैसे इनसे प्लांट जो होते हैं वो गैटरेड करते हैं गैटरेड यानी छुटकारा पाते हैं देखिए अगर आप ये पहला डायग्राम देख रहे हैं तो मैं आप इसको देख के समझ गए यहाँ पे जो रबर है वो निकाला जा रहा है अभी जो रबर होता है बच्चों लेटेक्स होता है बेसिकली लेटेक्स भी इसको बोलते हैं तो ये प्लांट के लिए तो वेस्ट प्रोडक्ट है लेकिन अपने लिए काम की चीज है यहाँ पे देखिए गम हो गया रेजीन हो गया ठीक है यहाँ पे देखिए गट्टेशन चल रहा है जो वाटर है उसका लॉस हो रहा है गट्टेशन तो ये जो भी आप गम हो गया रेजीन हो गया लेटेक्स हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया वाटर हो गया ऑक्सीजन तक ये प्लांट के लिए क्या होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स है तो कहीं ना कहीं बच्चों नेचर जो होती है

होते हैं। भाई प्लांट जब करता है तो कार्बन एक्सक्रीट आउट करता है और जब वो अच्छा तो एक, एक बात रखने ओनली डे टाइम में चलता है जब तक सूर्य चमकता है रात के टाइम फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है लेकिन जो रेस्पिरेशन ट्वेंटी फोर आवर्स चलता है देखिए एनर्जी जो भी अलाइव है लिविंग है उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और जब तक वो जिंदा रहेगा एनर्जी चाहिए ही चाहिए रहेगी तो बच्चों जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है मॉर्निंग के टाइम में तो यूज कर ली जाती है इन मॉर्निंग मॉर्निंग में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है रेस्पिरेशन के दौरान वो प्लांट यूज कर लेता है फोटोसिंथेसिस अंदर बॉडी से बाहर नहीं निकालता एयर में रिलीज नहीं करता है। लेकिन एट नाइट टाइम ये बात ध्यान रखने लायक है शायद मैंने आपको पहले भी बताई है ड्यूरिंग नाइट टाइम जो सीओ टू होती है वो रिलीज हो जाती है एयर के अंदर तो इसलिए बोलते हैं रात के समय पेड़ों के पास नहीं सोना चाहिए क्योंकि डाक नहीं लटकती है कोई चुड़ैल नहीं आएगी आपको पकड़ने क्योंकि वहां पर क्या होता है बच्चों जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है प्लांट जो होते हैं हो, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं जो कि अपने लिए हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है कि ज्यादा क्वांटिटी में अपन उसको इनहेल कर लें आ रही बात समझ में तो अगर मैं बात करूँ गैसेस प्रोडक्ट की तो लैंडिकल्स के द्वारा गैसेस प्रोडक्ट को एक्सक्रीट कर दिया जाता है अब बच्चों कुछ वेस्ट जो होता है जो सॉलिड भी हो सकता है वो और लिक्विड भी हो सकता है ठीक है? वो लीव्स में बार्क में और फ्रूट्स में जमा हो जाता है समझते हो पत्ती है बार्क यानी पेड़ की छाल और यहां पे फ्रूट्स यानी फल तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स चाहे वो सॉलिड हो लिक्विड हो

स्वायल में भी स्क्रीट आउट कर देता है वेस्ट प्रोडक्ट को अच्छा एक चीज और जो, जो मैं आपको बता दू यहाँ पे बच्चों रेफाइड्स की फॉर्म में भी होता है क्या तो आप लिख सकते हैं रेफाइड्स ये बेसिकली क्या होते हैं क्रिस्टल्स होते हैं रेफाइड्स क्या होते हैं बच्चों क्रिस्टल्स होते हैं बेसिकली वॉट आर रेफाइड्स रेफाइड्स आर क्वेस्टर्स अगर मैं बात करूं जमीकंद सब ने खाया जमी कंद की सब्जी जो बनती है बच्चों बहुत ही लाजवाब बनती है हमारे घर में बहुत पता है कैसे बनाते जैसे जमीकंद को आप बॉईल कर लो हल्का सा ताकि वो सॉफ्ट हो जाए फिर उसको छोटे 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 पीसेस में मतलब इतने मोटे नहीं जैसे सोया के चंक्स आते हैं ना सोयाबीन का जो एक गोला आता है उसके भी वन फोर्थ कर दो इतने छोटे छोटे पीसेस करके आप उसको टमाटो की प्यूरी में बनाइए बहुत टेस्टी लगते मेरी बात को मानिए आप मतलब रुक नहीं पाएंगे जो जमी कंद होता है यम होता है बच्चों उसका जो मतलब उसके अंदर भी बच्चों रेफाइड्स देखने को मिलते हैं ऐसे क्रिस्टल्स लाइक होते हैं तो बेसिकली प्लांट जो होता है अपने वेस्ट प्रोडक्ट को रेफाइड्स की फॉर्म में भी बाहर करता है फिर जब वो वो जो पार्ट है प्लांट का जब उससे अलग हो जाता है तो वो रेफाइड्स भी अलग हो जाते हैं तो इस तरीके से प्यारे बच्चों जो प्लांट्स होते तो हैं उसमें एक्सक्रीशन देखने को मिलता है देखिए अपन को पता प्लांट है प्लांट की जो बॉडी है बच्चों एनिमल के मुकाबले इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती है पहली बात दूसरी बात उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो भी स्लो होता है क्योंकि प्लांट को एक ही जगह पर रहना होता है प्लांट में लोकोमोशन नहीं होता तो इसको मद्देनजर रखते हुए उनका जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है वो भी बहुत सिंप्लीफाइड होता है ह्यूमन के मुकाबले या फिर एनिमल्स के मतलब एडवांस एनिमल्स के मुकाबले देखिए बहुत सिंपल है अगर गैस होगा तो स्टोमेटा लेंटिकल्स के थ्रू एक्सक्रीशन होगा स्टोर्ड लिक्विड है तो पत्तियों के बार के गिरने से हो जाएगा आप समझ रहे हैं बात

कॉम्प्लेक्स भी होता है और स्पेशल एक्सक्रीटरी उनके पास ऑर्गन होते हैं जैसे अगर मैं बैक में जाऊं अगर अपन देखें तो प्लांट के पास ऐसा आपको कोई भी स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखने को नहीं मिलेगा देखिए इसके अंदर से स्टैम्प से अपन लेटेक्स निकल रहा है ठीक है ये गम निकल रही है ठीक है यहाँ पे मुझे लग रहा है ये रेफाइड्स हैं बेसिकली रेफाइड्स हैं क्रिस्टल्स और यहाँ पे देखिए आप, आप वॉटर निकल रहा है तो कोई ऐसा सच आपको स्पेशल स्ट्रक्चर एक्सक्रीशन का देखने को नहीं मिलेगा सिंपल स्टोमेटल एंटिकल्स है ठीक है पत्तियों के गिरने से फ्रूट के गिरने से वेस्ट एक्सक्रीट हो रहा है सीक्रेट कर रहे हैं मिट्टी में या फिर गम्स एंड रेजिन की फॉर्म में तो बेसिकली इनके पास कोई एडवांस कोई डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है लेकिन अपन अगर एनिमल्स की बात करें चाहे वो यूनि सेल्युलर ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई ना कोई चीज इन्वॉल्व होती है एक्सक्रीशन के लिए अगर मैं अमीबा की बात करूं अमीबा प्यारे बच्चे यूनि सेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है अब अगर मैं बात करूं भाई अमीबा लिविंग है बच्चों अमीबा एरोबिक रेस्पिरेशन करता है ये मैं आपको बता दूं अमीबा डू दू एरोबिक रेस्पिरेशन अब जब एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है बच्चों तो आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट यहां पर निकलेगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है अब डिफ्यूजन क्या होता है बच्चों एक बात आप गिठान बांध लीजिए कि जो भी गैसेस का एक्सचेंज होगा अक्रॉस एक्रॉस द्रेन वो होगा डिफ्यूजन के द्वारा किसके द्वारा डिफ्यूजन के द्वारा चिंटू बेटा जल्दी बोल सब बच्चों को पता किसके द्वारा डिफ्यूजन के द्वारा तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें गैस का एक्सचेंज होता है चिंटू बेटा किसके द्वारा होता है चिंटू बोला डिफ्यूजन तो ये बात आप लर्न कर लेना ठीक है अब लेकिन जो नेट्रोजिनस वेस्ट होता है अब बच्चों देखो अमीबा है अमीबा की भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है तो जो यूरिया बनता है नैट्रोजीनस वेस्ट बनता है मोस्टली प्रोटीन से ही ये बनता है तो कैसे निकलेगा ये निकलेगा कॉन्ट्रेक्टल वैक्यूल के द्वारा गैस हो गई तो डिफ्यूजन नाइट्रोजीनस वेस्ट हो गया जैसे अमोनिया और एक्सेस वाटर कॉन्ट्रेक्टल वैक्यूल के द्वारा लर्न कर लेना नाउ कमिंग टू अर्थ फर्म अगर मैं अर्थ फर्म की बात करूं बच्चों तो अर्थ फर्म के अंदर ट्यूबुलस स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं नेफ्रीडिया तो इसका जो नाइट्रोजीनस वेस्ट होता है वो नेफ्रीडिया के द्वारा एक्सक्रीट किया हुआ जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो मॉइस्ट स्किन के द्वारा एक्सक्रीट कर दी जाती है। देखिए भी लिविंग है भी प्रोटीन लेता है और अर्थ भी रेस्पिरेशन करता है तो जो प्रोटीन लेगा प्रोटीन से जो नाइट्रोजिनस वेस्ट बनेगा बच्चों वो जाएगा नेफ्रीडिया के द्वारा बाहर बॉडी से एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज रिमूव फ्रॉम द स्किन और ये स्किन बच्चों मॉइस्ट होना जरूरी है देखो प्रोसेस डिफ्यूजन ही चलेगा यहाँ पे भी गैसेस का जो एक्सचेंज होता है बच्चों वो उसमें डिफ्यूजन ही अहम भूमिका यहाँ पर निभा रहा है अब बच्चों मॉइस्ट स्किन होने की यहाँ पर नीड क्या होती है बच्चों जब स्किन मॉइस्ट होती है तो जो गैस होती है उस मॉइस्ट में पानी में उस नमी में डिजोल्व होकर आर पार होती है अगर नमी नहीं होगी मॉइस्ट नहीं होगा तो जो गैसेस का एक्सचेंज है बच्चों वो यहाँ पर होता हुआ दिखाई नहीं देगा तो इसलिए बच्चों मॉइस्चर होना जरूरी है नमी होनी जरूरी है वरना गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा अगर होगा तो बहुत ही इनकम्प्लीट वे में वो देखने को मिलेगा तो इसलिए हमेशा जो भी एम्फीबियंस होते हैं या फिर जिनमें स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन होता है डिफ्यूजन के थ्रू तो उनमें आपको स्किन जो होगी वो मॉइस्ट ही देखने को मिलेगी कमिंग टू ह्यूमन बींग्स या ह्यूमन बींग्स ले लो यहाँ पे ठीक है उनके पास माइक्रोस्कोपिक थिन स्ट्रक्चर्स हैं जिनको बोलते हैं नेफ्रॉन और यही ह्यूमन की, क्या, बच्चे होती की क्या होती है बच्चों एक्सक्रीटरी यूनिट होती है व्हाट इज द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स नेफ्रॉन नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या होती है न्यूरोन न्यूरोन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज मत होना अगर मैं बोलू यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम अगर यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम की यहाँ पे बात हो रही है तो फिर आएगा वर्ड न्यूरॉन। कई बार बच्चे का बहुत सिमिलर है न्यूरोन और नेफ्रॉन। तो बच्चे का दिक्कत कर देते हैं तो अगर नर्वस सिस्टम के यूनिट की मैं बात करूं तो वर्ड आएगा न्यूरॉन। और एक्सक्रीटरी सिस्टम की मैं बात करूं तो वर्ड आएगा क्लियर है बच्चों मेरे ख्याल से यहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है अब बहुत सारे नेफ्रॉन मिलियंस ऑफ नेफ्रॉक्सिमेटली वन मिलियन या इसके आसपास का जो डेटा है नेफ्रॉन्स मिलके बच्चों की किडनी बनाते हैं तो ह्यूमन में किडनी होती है जो कि मेन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन देखने को मिलता है आगे पढ़ेंगे बच्चों तो मेरा ऐसा मानना है यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा चलिए नेक्स्ट स्लाइड की अपन बात करते हैं मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है प्यारी सी चिड़िया चलिए चिड़िया को देखते बच्चों मुझे एक मोटिवेशनल कोड याद आ गया तो मेरे प्यारे बच्चों आपको मैं मोटिवेट करना चाहूंगा यूं ही नहीं मिलती यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल एक जुनून से दिल में जगाना पड़ता है यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल एक जुनून से दिल से जगाना पड़ता है मैंने पूछा चिड़िया से मैंने पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घोंसला चिड़िया ने बोला भरनी पड़ती है उड़ान बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है तो बच्चों जैसी मेहनत चिड़िया कर रही है वैसी ही मेहनत अपन को करनी है तिनके तिनके को उठाना है हर एक सब्जेक्ट के अंदर हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है तभी जाके घोसला बनेगा यानी आप एक अच्छा स्कोर कार्ड जो है वो पा पाएंगे एक अच्छे नंबर को आप ऑप्टेन कर पाएंगे तो चलिए अब आते हैं अपन काम की बात पे बच्चों ये कुछ एनिमल्स के मैंने डायग्राम दिए हैं तो इसमें मैं आपको समझाऊंगा अभी किस किस तरीके से इनमें एक्सक्रीशन होता है क्या क्या ये करते हैं मोस्ट क्टिक एनिमल्स शार्क को छोड़ के उसको शार्क को स्टार लगा देना बच्चों शार्क को आप यहाँ पर बच्चों स्टार लगा सकते हो तो जितने भी एकवेटिक एनिमल्स होते हैं जितने भी मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो सब नाइट्रोजीनस वेस्ट में अमोनिया सीक्रेट करते हैं क्योंकि अमोनिया पानी में फटाफट से घुल जाती है तो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं सीक्रेट नहीं एक्सक्रीट करते हैं तो इनको बोलते हैं अमोनो क्या बोलते हैं अरे जल्दी बोलो अमोनो अब बात करते हैं मैमल्स की ह्यूमन बींगस भी मैमल्स है वो जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं या फिर वो जानवर जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उन्हें अपन मैमल्स बोलते हैं मोस्ट मैमल्स ठीक है एम्फीबियंस एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं और शार्क शार्क यहाँ पे स्टार पॉइंट है ये क्या एक्सक्रीट करते हैं यूरिया इसने तो तरह बोलते हैं यूरियो टेले क्या बोलते हैं यूरियो टेले चिंटू सबको बोल के बता क्या बोलते हैं चिंटू ने मेरे कान में आके बोला यूरियो ठीक आगे बढ़ते हैं बर्ड्स रेप्टाइल्स इंसेक्ट्स एंड लैंड स्नेल बर्ड्स हो गए रेप्टाइल्स हो गए इंसेक्ट हो गए और लैंड स्नेल लर्न कर लेना बच्चों क्वेश्चन आमतौर पर यहां से पूछ लिया जाता है बर्ड्स रेप्टाइल्स इंसेक्ट और लैंड स्नेल ये यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं उन्हें बोलते यूरिकोटेलिक तो ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए बच्चों इट्स इंपॉर्टेंट ठीक है अगर मैं बात करूं एक्वेटिक एनिमल्स की तो ये सब अमोनिया तो सीक्रेट करते हैं अमोनोटेलिक मैमल्स ठीक है मोस्ट एम्फीबियंस और तो ध्यान रखना है यहाँ पे ये यूरिया सीक्रेट करते हैं यूरियोटेलिक बर्ड्स रेप्टाइल्स इंसेक्ट्स एंड लैंड स्नेल लैंड वाला होना चाहिए क्या एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड तो यूरिकोटेलिक ठीक है बच्चों चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन ह्यूमंस अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं बच्चों अपन ने अभी डिस्कस करा थोड़ी देर पहले प्लांट्स के बारे में बच्चों प्लांट्स जो देखिए जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो लाइफ प्रोसेस चलते हैं इसलिए वो जिंदा है और इन लाइफ प्रोसेस में जितना ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रीशन है उतना ही इम्पोर्टेंट एक्सक्रीशन भी यहाँ पर हो जाता है तो अब बच्चों एक्सक्रीशन में मैंने आपको बताया जो प्लांट होता है उसकी बॉडी बहुत ही सिंप्लीफाइड होती है और प्लांट में जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं आमतौर तो पे वो बहुत ही सिंपल वे में बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं अगर गैसेस होंगे तो स्टोमेटा लेंटिकल के द्वारा या फिर गम्स रेजिन की फॉर्म में रेफेट की फॉर्म में या फिर सोयल में एक्सक्रीट कर देंगे या फिर पत्तियों और फ्रूट्स के गिरने से जो है वो रेड हो जाते हैं अपने वेस्ट प्रोडक्ट से एक्सक्रीट हुई प्रोडक्ट लेकिन एनिमल की मैं बात करूँ तो एनिमल का जो मेटाबोलिज्म होता है बहुत ही हाई होता है एनिमल एक कॉम्प्लेक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सॉरी ऑर्गेनिज्म है एनिमल्स माइक्रो भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं ठीक है अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ आज अपन मोस्ट एडवांस ऑर्गेनिज्म है अपनी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है साथ ही साथ में बच्चों जो अपनी बॉडी उसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं तो जब इतने सारे सेल्स हैं जो कंटिन्यूसली वर्कआउट कर रहे हैं तो कितना सारा वेस्ट जनरेट होगा तो जब बहुत फास्ट काम करते हैं वेस्ट भी फास्ट जनरेट निकालने का प्रोसेस भी फास्ट यहाँ पर होना पड़ेगा तो जो मेन इंपॉर्टेंट वेस्ट प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं होते खैर जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं बच्चों वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और अब निकलते कैसे हैं अब जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है बच्चों वो आती है अपने रेस्पिरेशन 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 के अब पे कौन सा चलेगा एरोबिक ये बात आपको पता मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनमें रेस्पिरेशन चलता है उनकी बॉडी में ऑक्सीजन ली जाती है और जब एयर छोड़ते हैं तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है तो जो सीओ टू है वो लंग्स के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है तो लंग्स कैसे मदद करते हैं सीओ टू को एक्सक्रीट आउट करने में सीओ टू है कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन जो यूरिया है वो कैसे एक्सक्रीट होता है वो होता है किडनी के द्वारा फिल्टर किया जाता है जैसे बच्चों आप समझिए यूरिया पहले कैसे बनता है इस चीज में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा अपन जो भी खाना खाते हैं उसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट मैक्रोव होते हैं देखिए फूड को अपन मैक्रो और माइक्रो में तोड़ते हैं तो अपन यहाँ पे मैक्रो की ही बात करेंगे बच्चों मैं, लिख, दे तो 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 मैं लिख देता हूं यहाँ पे वर्ड मैक्रो मैक्रो में तीन इंपॉर्टेंट चीजें आती है कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट को मैं कार्ब्स लिख देता हूं फैट्स एंड प्रोटीन ये तीन आपके फूड के मैक्रो होते हैं तो थोड़ा सा बच्चों में बताना चाहूंगा आपको अपन जब भी खाना खाते हैं तो इन तीनों का राइट प्रपोर्शन होना बहुत ही जरूरी है इंडियन डाइट में क्या होता है कि दाल तो होती है इसे कटोरी में और चपाती और चावल जो होते हैं पूरी थाली को घेरे होते हैं ये गलत तरीका है बच्चों इनका राइट प्रपोर्शन होना चाहिए अगर आप कुछ भी खाना खा रहे हो तो फोर्टी टू फोर्टी अप्रॉक्सीमेटली फोर्टी टू फोर्टी फाइव परसेंट कार्ब होते हैं थर्टी परसेंट के आसपास थर्टी टू थर्टी फाइव परसेंट के आसपास प्रोटीन होते हैं और फैट्स होते हैं ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट अगर आप इस रेशियो में खाना को खाओगे मैं दोबारा बता रहा हूँ फोर्टी टू फोर्टी फाइव परसेंट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं थर्टी टू थर्टी फाइव परसेंट जो होते हैं वो आपके अप्रोक्सीमेटली प्रोटीन होते हैं बीस परसेंट के आसपास फैट्स फैट्स में भी हेल्दी फैट लेने पड़ेंगे तभी बॉडी का जो है वो ऑप्टिमम डेवलपमेंट होगा आपकी बॉडी में कभी भी कमी नहीं आएगी आप मोटे नहीं हो फैट नहीं चढ़ेगा लेकिन क्या करते हैं अपन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को एक्सेस में कर देते हैं फैट की मात्रा को एक्सेस में कर देते हैं और प्रोटीन बहुत ही मिनिमम होता है मैं आपको बताऊं बच्चों जितना परसेंट का वेट होता है अक्षय कुमार क्या कैड आया था जितने किलो के आपको उतने ग्राम प्रोटीन जाना चाहिए अगर आप फूड सप्लीमेंट भी लोगे आप नॉर्मल डाइट चलाओ नॉर्मल डाइट के साथ आप प्रोटीन सप्लीमेंट भी चलाओगे तो भी आपकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी जो कि पर्सन को चाहिए एक नॉर्मल बॉडी को मेंटेन करने के लिए बॉडी बिल्डिंग तो अपन बात ही हटा दें तो इतने अपनी डाइट जो चलती है प्रोटीन डेफिशिएंट होती है आप अगर कभी डाइट चार्ट में कैलकुलेट करोगे ना अपनी डाइट को तो आप दंग रह जाओगे आप प्रोटीन आधा भी नहीं ले रहे हो जितनी एक उस एक पर्सन जो कि सीडेंटरी कुछ भी काम नहीं कर रहा उसको जितना प्रोटीन चाहिए अपन उतना भी नहीं ले पा जबकि अपन स्टूडेंट है पढ़ाई भी कर रहे हैं आ भी रहे जा भी रहे खेल भी रहे हैं तो अपनी जो डाइट होती है उसमें प्रोटीन की बहुत कमी होती है ठीक है तो जो प्रोटीन अब जो यूरिया आता है बच्चों वो आता है प्रोटीन से भाई अब कुछ लोग हैं जैसे अगर मैं वेस्टर्न कंट्रीज की बात करू तो वहां पर क्या होता है प्रोटीन रिच डाइट बहुत ही चलती है वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखिए मोस्टली बीफ हो गया चिकन हो गया नॉनवेज काफी चलता है तो नॉन में प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है तो जो अनयूज प्रोटीन होता है वो लिवर में ब्रेक डाउन होता है और उससे जो बाय प्रोडक्ट बनता है वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो होता है यूरिया और यही यूरिया किडनी फिल्टर करती है ब्लड से यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाल देती है तो किडनी क्या हो गई फिल्टर ऑर्गन हो गई आपकी बॉडी की जैसे एक्वा गार्ड जो होता है एक्वा गार्ड बोल दो आप या ब्लू स्टार के फिल्टर्स जो भी आते हैं पानी को फिल्टर करते हैं अपनी किडनी क्या करती है ब्लड को फिल्टर करती है अपने ब्लड में जो भी यूरिया है अन वॉन्टेड सब्सटेंसेज है उसको फिल्टर करके अपनी बॉडी से यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाल देती है तो किडनी बच्चों देखिए आपको इस तरीके की दिखाई पड़ती है और लंग्स आपने देख ही रखे हैं लास्ट वाले लेक्चर के अंदर तो बच्चों बेसिक आपकी फाउंडेशन जो है बिल्डअप हो अब चलो आगे अपन बात करते हैं जो ह्यूमन बींग का प्यार है बच्चों एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उस पर दो किडनी होती हैं दो यूरेटर होते हैं एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा यहां पर होता है टू किडनी किडनी कैसी होती है बच्चों बीन शेप्ड होती है यूरेटर कैसे होते हैं लॉन्ग पाइप्स होते हैं यूरिनरी ब्लैडर ये डिस्टेंसिबल होती है डिस्टेंसिबल बोल दो या फिर आप चाहो तो उसकी जगह फ्लेक्सिबल आप लिख सकते हो फ्लेक्सिबल एक वर्ड है बच्चों है ना तो अपन इसकी जगह लिख देते हैं फ्लेक्सिबल ठीक है लेट्स द अगेन ब्लू कलर तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं। यूरिनरी जो होती होती है है बच्चे फ्लेक्सिबल ये बात आपको ध्यान रखनी मतलब ये एक ब्लेडर होती है जैसे इसमें जैसे फूड आप ना स्टमक है ज्यादा खाना होता है स्टमक जैसे फूल जाता है तो ये भी फूल जाती है तो इसके जो अंदर का वॉल्यूम है वो चेंज हो सकता है फूल भी सकती है सिकुड़ भी सकती है यार ये बात समझ में

ऐसे होते है जिससे मैंने हाथ रखा हुआ है किडनी क्या करती है ब्लड से आने वाले वेस्ट सब्सटेंसेस को फिल्टर आउट करती है यूरिया हो गया एक्सेस ऑफ वाटर हो गया एक्सेस ऑफ सॉल्ट हो गया क्योंकि बॉडी के लिए अनवॉन्टेड उन्हें बॉडी से बाहर निकालती है यूरिन की फॉर्म में बेसिकली यूरिन में नाइनटी टू नाइनटी वाटर ही होता है यूरेटर किडनी से क्या होते हैं यूरेटर निकलते हैं वो किडनी में बनने वाले यूरिन को आगे यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर क्या करती है यूरिन को स्टोर करती store करती है स्टोर तब तक तक जब तक आपको इमरजेंसी नहीं लग जाती तो बेसिकली आपकी यूरिनरी ब्लैडर में 400 से 500 सौ अप्रॉक्सिमेटली डेटा है 400 से 500 सौ एम तक कई जगह आपको 600 सौ लिखा हुआ दिख जाएगा कई जगह तीन सौ लिखा हुआ लेकिन एवरेज निकालो दो चार सौ से पांच सौ यूरिन जो होती है वो यूरिनरी ब्लैडर होल्ड करने की क्षमता रखती है इसके आगे आप नहीं होल्ड कर सकते आपको जाना ही पड़ेगा आपको इमरजेंसी लैंडिंग करनी ही पड़ेगी वरना बच्चों धारे जो है वो बह जाएंगी उसके आगे आते है यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर में जब फुल हो जाता है एकदम टंकी फुल हो जाती है तो अपन को अर्ज होती है टॉयलेट करने की टॉयलेट करने को बोलते हैं यूरिनेशन ठीक है तो जब अर्ज होती है यूरिनेशन की तो यूरेथ्रा के द्वारा वाय यूरेथ्रा अपन यूरिन को बॉडी से पास आउट कर देते हैं यूरिन इज पासड आउट फ्रॉम द बॉडी ठीक है बच्चों तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कैसे सिस्टम ह्यूमंस की यहां पर बात और स्पेसिफिकली होता है चलिए अपन डायग्राम देखें पे तो बहुत सिंपल डायग्राम और बहुत ही क्लियर डायग्राम है ब्यूटीफुल डायग्राम भी है देखिए हा बच्चों अगर अपन इस डायग्राम को देखें तो किडनीज अपन को दिखाई दे रही है लेफ्ट किडनी और राइट किडनी ठीक है ये तो जो किडनीज होती है अगर आप देखोगे तो बीन शेप्ड होती हैं कैसी होती है बच्चों मिस्टर बीन की यहाँ पर बात नहीं हो रही बीन शेप्ड होती हैं अरे चिंटू बेटा कैसी होती हैं चिंटू ने मेरे कान में आके बोला विजय सर बीन शेप्ड होती हैं तो किडनी बच्चों आपकी बीन शेप्ड होती चाहे बड़ा हो छोटा हो राजमा देखा राजमा का नाम भी किडनी बीन होता है क्योंकि वो भी किडनी जैसा होता है ठीक है लेफ्ट साइड में लेफ्ट किडनी राइट साइड में राइट किडनी अब बच्चों रीनल आर्टरी अब इस बात को आपको ध्यान रखना है जो रीनल आर्टरी होती है जो ब्लड लेके आती है वो होता है ब्लड विद वेस्ट ब्लड विद वेस्ट कौन सा वेस्ट यूरिया तो आप चाहते तो इसको इम्प्योर ब्लड भी बोल सकते हो यू कैन कॉल इट इम्प्योर ब्लड ठीक है और जो रीनल वेन होती है बच्चों वो लेके आती है प्योर ब्लड प्योर ब्लड का मतलब ये है कि ब्लड विद यूरिया रिमूव ऐसा आप लिख दो बच्चों तो मैंने आपको बताया आप होती है दो किडनी होती है पीछे की साइड होती है ऐसे कमर के ऊपर होती है लेफ्ट साइड में लेफ्ट किडनी राइट साइड में राइट right किडनी आप उन दो किडनी से पाइप निकलते हैं जिनको बोलते हैं अपन न्यूरेटर तो बच्चो किडनी जो होती है वो बीन शेप्ड होती है ब्रिक रेड कलर की होती है ठीक है और हर पर्सन में दो होती हैं पेस में देखने को मिलती हैं तो जो रीनल आर्टरी होती है बच्चों वो इम्प्योर ब्लड लेके आती है किडनी के अंदर इम्प्योर ब्लड का मतलब ये नहीं है कि अपन गैसेस की यहाँ पे बात करें मैंने आपको बताया जो आर्टरी होती है बेसिकली वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है प्योर ब्लड लेके जाती है। तो जब अपन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे वहां पे मैंने कहा था आर्टरी जो होती है वो प्योर ब्लड लेके जाती है तो वहां पे प्योर का मतलब था ऑक्सीजन रिच ब्लड और यहाँ पे इम्प्योर का मतलब है कि यूरिया वाला ब्लड तो दोनों में कंफ्यूजन मत होना अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करना पे प्योर ब्लड से मतलब है उसके अंदर ऑक्सीजन है सर्कुलेटरी सिस्टम में प्योरिटी से मतलब है ऑक्सीजन होना सिस्टम है इम्प्योरिटी से मतलब है उसमें यूरिया होना तो इस केस में जो आर्टरी होती है वो इम्प्योर ब्लड लेके आती है इंप्योर ब्लड का मतलब ये नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड है इंप्योर ब्लड का मतलब है कि उसके अंदर यूरिया की इम्प्योरिटी है इससे कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत होना बच्चों तो इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरिया को अपन बोलेंगे इम्प्योर ब्लड अब किडनी में गया एमप्योर ब्लड फिल्टर विल्टर चला फिल्टर को जो तो साफ ब्लड है वो रीनल वेन के अंदर डाल दिया जाता है तो रीनल वेन में प्योर ब्लड चलता है प्योर ब्लड का मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन प्योर ब्लड का मतलब ये है कि उसमें से यूरिया को जो है वो रिमूव कर दिया गया है अब किडनी में जो तो फिल्टर होता है बच्चों उसमें यूरिया तो होता है यूरिया के साथ जो एक्सेस ऑफ तो वाटर होता है एक्सेस ऑफ सोल्ट होते हैं वो भी निकल जाते हैं तो यूरिया प्लस वाटर प्लस एक्सेस ऑफ मिलकर यूरिन बनाते हैं ये यूरिन इन ट्यूब्स के द्वारा जिनको अपन यूरिटर बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठे कर ले जाते हैं तो यूरिनरी ब्लैडर क्या हो गई फुल हो गई इकट्ठा होता गया इकट्ठा होता गया टंकी फुल मैं लिख देता हूं यहाँ पे टंकी फुल हो गई जैसे ही टंकी यहाँ पर फुल हुई तो यूरेथरा अरे गंदे बच्चों देखना नहीं है वेरी बैड तो के थ्रू क्या कर देगा यूरिन को पास आउट कर देता है तो इस तरीके से बच्चों एक हाई लेवल पे सिंप्लीफाइड में यूरिन जो होता है, वो से पास आउट होता है तो बच्चों, ये एक था। बच्चों एक का जिसमें अपन पेयर ऑफ किडनी देखी यूरिटर देखा यूरिनरी ब्लैडर को देखा यूरेथ्रा को देखा चलिए अब आगे बढ़ते बच्चों अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर नेफ्रॉन को ठीक है तो नेफ्रॉन जो होता है बच्चों वो होता है किडनी बोल दे या फिर आप ह्यूमंस बोल दो अरे बच्चे बात समझ में आपको देखो बायोलॉजी आमतौर पर क्या करते हैं बच्चे रटने की कोशिश करते हैं लेकिन बायोलॉजी इज नॉट अबाउट क्राइमिंग ठीक है नेम्स लर्न करने लेकिन अगर आप सिंपलीफाइड वे में उसको समझोगे तो बायोलॉजी इज वेरी इजी आपका इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाएगा बच्चों का बायोलॉजी चूज ना करने का रीजन ही होता है कि उन्हें समझ में नहीं आता उनको लगता है तो रटना है बट रटना नहीं है जब आप चीज़ों की गहराई में जाओगे तो आपको मजा सा जो है वो आने आप कोरिलेट करोगे अपनी बॉडी से तो बच्चों अगर मैं बात कर ह्यूमन किडनी का एक थोड़ा सा डायग्राम है जिसमें नेफ्रॉन को बताया गया है डायग्रामेटिक वे में बच्चों तो जो नेफ्रॉन होता है यहाँ पे बच्चों उसको एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी बोला जाता है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर बच्चों को मैं बात करूं अप्रोक्सीमेटली वन मिलियन वन मिलियन हो जाएगा ठीक है वन मिलियन ही बोल दो चाहो तो। हटाओ उसको भी उसको भी हटाओ जल्दी से फेवरेट ब्लू पेन अप्रोक्सीमेटली वन मिलियन जो नेफ्रॉन्स होते हैं न्यूरॉन मत लिखना बच्चों दिमाग में मेरे भी न्यूरॉन आता कई बार दिमाग में न्यूरॉन चल रहा होता है लेकिन अरे यार नेफ्रॉन लिखना तो आपके साथ भी होगा नेफ्रॉन न्यूरॉन इतने सिमिलर साउंडिंग है कि बच्चों दिमाग में जो खिचड़ी बना के रखते हैं वो तो लिखते टाइम आपको ध्यान रखना होता है दिमाग में नेफ्रॉन चल रहा हो लिख कर आप न्यूरोन दे दो तो अप्रोक्सीमेटली वन मिलियन नेफ्रॉन्स मिल किडनी बनाते हैं तो मतलब नेफ्रॉन ही किडनी नहीं बनाते बेसिकली बट किडनी के अंदर अप्रोक्सीमेटली आपको वन मिलियन जो है नेफ्रॉन तक देखने को मिल जाएंगे और अपन देखे नेफ्रॉन कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है बच्चों अब नेफ्रॉन में एक कप शेप लाइक बैग है ये कप बन रहा है कप जिसमें अपन चाय पीते हैं तो कप शेप लाइक बैग होता है जिसको बोलते हैं बड़ा है चिंटू कान में आके पता चिंटू बोले सर वोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं सारे बच्चे बोलेंगे वोमेंस कैप्सूल अरे बोलो आवाज नहीं आ रही है वोमेन्स कैप्सूल वोमेन्स कैप्सूल तो जो वोमेन्स कैप्सूल होता है बच्चों वो क्या है एक सी शेप

वो तो कनेक्ट हो रहा है बोमन कैप्सूल से और जो अनादर एंड है वो कनेक्ट हो रहा है यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से मतलब अब चलो आगे समझिए अब इसमें आपको एक ऐसा गुच्छा दिख रहा होगा ये ये क्या है गुच्छा है बंडल ऑफ कैपिलरीज ये क्या है बच्चों इधर मैं लिख देता हूँ ग्लोमेरुलस क्या होता है बंडल ऑफ कैपिलरीज आप फटाफट लिख लीजिए यहाँ पे ग्लोमेरुलस क्या होता है ग्लोमेरुलस होता है बंडल ऑफ कैपेलरीज क्या होते हैं बच्चों में आपको समझा चुका हूँ वेसल्स होती है जो सिंगल लेयर ऑफ सेल के बनी होती है ऑलमोस्ट और आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करने का काम करती है देखिए यहाँ पे भी देखिए यहाँ से आती है रीनल आर्टरी और यहाँ पे जाती है रीनल रीनल वेन देखिए ये आर्टरी और रीनल वेन तो रीनल आर्टरी से जो डर्टी ब्लड होता है वैसे ग्लोमेरुलस में जाता है फिर छन छना के रीनल वेन में कनेक्ट हो जाती है तो रीनल आर्टरी आई और रीनल वेन गई दोनों के बीच में क्या है ग्लोमेरुलस रीनल आर्टरी से गंदा खून आया रीनल वेन से देखो लिखा हुआ भी है डायग्राम है गंदा खून गंदे खून का मतलब है यूरिया वाला खून रीनल आर्टरी से आया छन छना के रीनल रीनल वेन के थ्रू बाहर गया तो बीच में क्या आ रही है कैपेलरी ये क्या बंडल ऑफ कैपिलरी तो है तो इस तरह से देखिए यहाँ पे प्रूव करते कैपिलरी आर्टरी को वेन से जोड़ने का काम करती है अब यहाँ पे काम क्या है बच्चों कैपिलरी कैपिलरी बहुत ठिन्न होती है बहुत पतली होती है तो उसमें फिल्ट्रेशन प्रोसेस चलता रहता है जब रीनल आर्टरी से जो गंदा खून आता है वो बहुत प्रेशर से आता है तो जब प्रेशर क्रिएट होता है तो इसमें क्या होता है ब्लड में जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो फिल्टर आउट होने लग जाती है कैपिलरी से अब क्या क्या फिल्टर आउट होता है मैं लिख देता तो हूँ यहाँ पे यूरिया एक्सेस वाटर सॉल्ट एंड ग्लूकोज ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं और अमाइनो एसिड्स भी सॉरी uh, इसमें अपन अलग तरीके से उसको पढ़ते हैं बच्चों हाँ तो जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो फिल्टर आउट हो जाती हैं जैसे क्या क्या हो गया बच्चों यूरिया वाटर ठीक है और ग्लूकोज भी आप चाहो तो लिख दो ये सब इसे फिल्टर आउट हो जाते हैं और ग्लोमेरुलस के अंदर चल जाते हैं ऐसे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट ये कहां पे जाते हैं ग्लोमेरुलस में ए ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट ठीक है यहां पे मैं लिख देता हूं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इसको अपन हाईलाइट कर देते हैं और जो बड़ी चीजें हैं जैसे ब्लड सेल्स हो गए या लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो गए वो फिल्टर आउट नहीं होते वो जैसे आर्टरी में आते वैसे ही वेंस में चले जाएंगे लेकिन जो छोटी चीजें हैं जो कैपिलरीज की वॉल से पास आउट हो जाती है जैसे यूरिया ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स वाटर वगैरह ये सब पास आउट हो जाते हैं और ऐसे ग्लोम इधर इधर इकट्ठे हो जाते हैं बोमस कैप्सूल में एज अ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बोल सकते हो आप इसको ठीक है फिल्ट्रेट की फॉर्म में जमा यहाँ पर हो जाते हैं अब फिर ये जो फिल्ट्रेट है फिर ऐसे ट्यूबवेल के अंदर चलेंगे आप के कितना चलेंगे तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक कैपिलरी चल रही है ये कैपिलरी क्या करेगी काम की चीजों को एब्सॉर्ब कर लेगी काम का क्या है अमाइनो एसिड वाटर ग्लूकोज और काम के सॉल्ट को एब्सॉर्ब कर लेगी लेकिन यूरिया को एब्सॉर्ब नहीं करेगी तो ये काम की चीजें एब्सॉर्ब करके देखिए वापस से किसमें चली गई रीनल वेन में ध्यान से देखिए अब रीनल आर्टरी गंदा खून लेके आई ये रीनल आर्टरी चल रही रिनल आर्ट्री चल रही रीनल आर्टरी चल रही है फिर यहाँ से कैपिलरी किस में गई एक ब्रांच किस में गई ग्लोमेरुलस के अंदर चली गई तो यानी अब देखिए समझे यहाँ से बच्चों जो गंदा खून है वो आया 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 अरे आ गया और यहाँ से ग्लोमेरुलस में चला गया तो ग्लोमेरुलस का एक जो हिस्सा है वो रीनल आर्टरी से कनेक्टेड है गंदा खून आता है अब जो तो गंदा खून देखो यहाँ पे तो मोटा है यहाँ पे पतला हो गया तो प्रेशर बढ़ जाता है यहाँ पे मोटापा ज्यादा है इस वेसल का यहाँ पे पतला हो गया तो प्रेशर बढ़ गया प्रेशर क्या हुआ इस ग्लोमेरोलस में छनने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी जिसमें छोटी छोटी चीजें जैसे यूरिया अमाइनो एसिड वाटर ग्लूकोज वगैरह सब छन के वोमन कैप्सूल में, में गिर जाएगा एज अ फिल्ट्रेट और बाकी जो बड़ी चीजें हैं जैसे हो गया आपका ब्लड सेल्स और प्रोटीन वो नहीं छनेंगे एज इट इज यहाँ से बाहर निकलेंगे और बाहर निकल के देखो किसमें कनेक्ट हो रहे हैं ये रीनल वेन में आ रही बात समझ में आर्टरी से चालू हुआ यहाँ पे छन्ना और रीनल वेन में कनेक्ट हो गया तो क्लीन ब्लड रीनल वेन में निकल जाएगा अब देखो आप अब मैं यहाँ पे बात समझ इस बात को बच्चों कि अब ये जो कैपिलरी से निकल रही है ये इसको ऐसे कवर किए हुए है ध्यान से देखना इसको ऐसे कवर किए हुए ट्यूबुल को तो ट्यूबुल में जो चीजें छनी जैसे कि यूरिया अमाइनो एसिड वाटर ग्लूकोज काम की चीजें वो वापस से एबजॉर्ब हो जाएंगी जैसे अमाइनो एसिड काम का है वाटर काम का है ग्लूकोज काम का है तो ये वापस से एब्जॉर्ब होकर इस ब्लड में डाल दी जाएंगी और रीनल बेन के द्वारा ब्लड में सर्कुलेट कर दी जाएंगे लेकिन जो यूरिया है एक्सेस ऑफ वाटर है ये वापस से एब्जॉर्ब नहीं होगा और ये देखिए यहां से यूरिन कलेक्टिंग डेट में इकट्ठा हो गया यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल लिया जाएगा तो बच्चों इसको मैं आपको दोबारा समझाता बहुत ही सिंपल है नेक्स्ट डायग्राम में बेसिक मेरे हिसाब से आपको यहां पर पिक्चर समझ में आ गई होगी अगर यहाँ पे भी सर हल्का फुल्का सा डाउट है तो यहाँ पे कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा क्योंकि इसी को मैं पीछे आपको एक पिक्चर समा बांध रहा था कि कैसे चलता है अब देखिए अब यहाँ पे आई रीनल आर्टरी यहाँ पर आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा देखिए अपन पीछे देखें तो जो तो रीनल आर्टरी है देखिए डर्टी ब्लड गंदा खून लेके आ रही है ये गंदा खून चला 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 और यहां से ग्लोमेरुलस में चला गया ग्लोमेरुलस में फिर ग्लो से एक और कैपिलरी निकली ये निकल, निकल के निकल के रीनल वेन में जा रही है देखो तो यानी गंदा खून आता आर्टरी साफ खून जा रहा है रीनल वेन में ठीक है अब आगे देखते जो गंदा खून आया वो आया रीनल आर्टरी से अब ये गया आप ग्लो मैरोस के अंदर अब आप देखोगे पीछे तो आर्ट जो तो रीनल आर्टरी है इसका डायमीटर ज्यादा है इसका कम है तो जैसे ही बड़े पाइप से छोटे पाइप में जाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है तो प्रेशर की वजह से चीजें यहाँ पे छनने लग जाएंगी क्या क्या छनेंगे बच्चों यहाँ पे देखो ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स सॉल्ट वाटर एंड यूरिया तो ग्लूकोज अमाइनो एसिड सॉल्ट वाटर यूरिया छन के फिल्टरेट की फॉर्म में ऐसे बोमन कैप्सूल में गिर जाएगा लेकिन जो बड़ी चीजें हैं जैसे हो गए ब्लड सेल्स और कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स वो नहीं छनेंगे वो एजेस रहेंगे अब यहाँ पे छन के अंदर बोमेन कैप्सूल्स में आ जाएंगे अब बोमेन कैप्सूल से नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे तो देखिए अब एक, कैप, एक आई यहाँ पे ग्लोमेरुलस बनाया फिर ग्लोमेरुलस से कैपिलरी निकली जो कि इस ट्यूबुल को ऐसे कवर किए हुए लपेटे हुए है देखिए ये जो कैपिलरी निकल रही है ग्लोमेरुलस से वो ट्यूबुल को लपेटे हुए है ये यहाँ पे क्या करेगी काम की चीजों को वापस से रि कर लेगी देखते हैं अपन डर्टी ब्लड कंटेनिंग वेस्ट डर्टी ब्लड यूरिया है सब कुछ है तो जो सब यूरिया के साथ साथ जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जैसे ग्लूकोज अमाइनो एसिड सोल्ट वाटर क्योंकि छोटे से छन के ग्लोमेरोलस फिल्टरेट में आ जाएंगे अभी फिल्टेड ट्यूबुल में चलेगा ट्यूबुल में, में चल रहा है बच्चे ट्यूबुल में चल रहा है ये ट्यूबुल कहाँ पे जाए कनेक्ट हो रही यूरिन कलेक्टिंग डक्ट के अंदर तो जब तक तो ये यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में जाएगी इसके आसपास एक लिपट गई है कैपिलरी तो ये कैपिलरी क्या करेगी काम की चीजों को एब्सॉर्ब कर लेगी जैसे ऑल ग्लूकोज ऑल अमाइनो एसिड मोस्ट मोस्ट वाटर इसको बोलते है, लूप हैं लूप ऑफ हैं क्या बोलते हैं बच्चों लूप ऑफ हैंडले मुर्गी को लो हैं ले. लूप बना लो लूप ऑफ हैंडले तो ये है लूप ऑफ हैं ले. तो लूप ऑफ हैंडले के अंदर बच्चों आप देखोगे मोस्ट ऑफ द चीजें आपको ऐसे एब्जॉर्ब होती हुई दिखाई देंगी अब यहाँ पे चला फिल्टरेट तो ये जो कैपिलरी है काम की चीजों को एब्जॉर्ब कर लेगी ठीक है और देखिए ये कैपिलरी जो है क्लीन ब्लड लेके जा रही है रीनल वेन के अंदर यानी आर्टरी में से जो गंदा खून आया उसमें से यूरिया निकाल देगा और बाकी काम की चीजें वापस से एब्जॉर्ब करके बॉडी में रोटेट कर दी गई लेकिन जो ट्यूबवेल जिसमें यूरिया का ऑब्जेशन नहीं हुआ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ट्यूबवेल में नो ऑफ यूरिया ट्यूबुल में नो एब्सॉर्प्शन ऑफ यूरिया यूरिया का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो जो यूरिया है वो पानी के साथ मिलकर यूरिन बनाएगा चल रहा है 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 चल रहा चल है चल चल यूरिन कलेक्टिंग ट्यूब में आया और यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दिया तो इस प्रकार से बच्चों बॉडी की जो नेफ्रॉन होता है न्यूरॉन नहीं नेफ्रॉन होता है उसमें फिल्ट्रेशन प्रोसेस चलती है तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी अपन आगे देखते हैं समझते हैं स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पहला हो गया अब जो अपन अपने पढ़ाओ आप उसको स्टेप्स की फॉर्म में डिस्कस करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन तो उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं बच्चों नाम से ही पता पड़ रहा है भाई रीनल आर्टरी गंदा खून लेके आएगी गंदे खून का मतलब है उसमें यूरिया होगा तो जैसे ही ब्लड ग्लोमेरुलस के थ्रू जाता है आपको पता है ग्लोमेरुलस का डायमीटर कम हो जाता है पाइप पतला हो जाता है तो प्रेशर बढ़ते ही जो चीजें हैं वो पास आउट हो जाएंगी क्या क्या पास आउट होंगी यूरिया ग्लूकोज अमाइनो एसिड वाटर ये सब एज अ फिल्ट्रेट इकट्ठे हो जाएंगे बोमन कैप्सूल के अंदर दूसरा स्टेप है री अब बच्चों होता है क्या है जो आपके बोमन कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट इकट्ठा हुआ ना वो ट्यूबुल में जाएगा जैसे अपन पीछे देखें इस ट्यूबुल ये जो है ना ये ट्यूबुल में जाएगा ट्यूबुल में मूव करेगा मूव करेगा मूव करेगा तो आप देखो ट्यूबुल के आसपास कैपिलरी जा रही है ये कैपिलरी क्या करेगी ट्यूबुल में से काम की चीजें जैसे कि ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स मोस्ट सोलन वाटर को एब्सॉर्ब कर लेगी और इसको ये क्या करेगी वापिस रीनल वेन के द्वारा ब्लड के अंदर पहुंचा दी जाएगी लेकिन यूरिया का एब्जॉर्बन नहीं होगा वो जो यूरिया है वो ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा यूरिन कलेक्ट में जाएगा यूरिया पानी के साथ मिलकर यूरिन और बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा अब अपन इधर देखें तीसरा यहाँ पे सीकरेशन सीक्रेशन में होता है क्या है बच्चों इसको ट्यूबुलर सीक्रेशन भी बोल सकते हो इसमें जो ट्यूबुलर सेल्स होते हैं ध्यान रखने वाली बात तो बच्चे ट्यूबुलर सेल्स तो ट्यूबुलर सेल्स होते हैं कुछ सब्सटेंस को डालते हैं कौन से हाइड्रोजन आयन पोटेशियम आयन एटसेट्रा इन द फिल्ट्रेट हाइड्रोजन आयन पोटेशियम आयन और ठीक है दो लन कर लो हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन चिंटू कौन कौन से आयन हुए सर हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम

तो उसके बाद रीज एब्सॉर्शन हुआ कान की चीजें यूरिया को छोड़ के उसके बाद जो फिल्ट्रेट है ट्यूबुलर सीक्रेशन हुआ हाइड्रोजन आयन पोटेशियम आयन डाले गए जिससे क्या होता है बॉडी का बैलेंस आयनिक बैलेंस एसिड बेस बैलेंस बनता है मेंटेन रहता है उसके बाद जो यूरिन है जो यूरिया है वो ट्यूबुल के होते हुए बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा तो ये है बच्चों स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन या फिर मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बहुत ही इजी है मैंने आपको तीनों डायग्राम में इस चीज को रिपीट करा है तो मेरे ख्याल से अब तो बच्चे को लर्न ही हो गया होगा इससे सिंपलीफाइड वे में मैं आपको नहीं समझा सकता या फिर कोई टीचर समझाएगा वो समझाएगा तो इससे सिंप्लीफाइड तरीका नहीं है अब बच्चों आगे बढ़ते रीनल फेलियर तो जब अपन रीनल फेलियर की यहाँ पर बच्चों बात करते हैं यहां पे भी वर्ड रीनल आते हैं रीनल का मतलब होता है किडनी तो बच्चों अगर अपन देखें तो जो किडनी होती है उसको फेल होने के कई सारे कारण होते हैं देखिए या तो इन्फेक्शन हो जाए ठीक है या फिर चोट हो जाए भाई आप एक बार क्या करते है? हैं लोग बहुत एक्टिव चलाते उसे चला रहे किडनी के आर पार हो गया तो किडनी के जब आर पार तो इंजरी तो हो गई अब किडनी तो खत्म हो गई तो या तो, तो इन्फेक्शन हो जाए किडनी के अंदर या फिर इंजरी हो जाए या फिर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर या फिर बहुत ज्यादा शुगर या फिर किडनी में बराबर ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है इन सभी कारणों की वजह से क्या होता है बच्चों किडनी की कैपेसिटी कम हो जाती है और किडनी फेल भी होने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं तो उसको अपन बोलते हैं रीनल फेलियर जिसकी वजह से वो अपना काम करना बंद कर देती है मैं दोबारा बताता हूँ या तो किडनी में इन्फेक्शन हो, 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 हो गया या फिर सर आर पार हो गया इंजरी हो गई या गिर गया एक्सीडेंट हो गया या फिर हाई बी या फिर हाई शुगर लेवल या फिर किडनी में ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्टेड है प्रॉपर नहीं हो पा तो किडनी काम करना धीमा करती है रुकती है फिर बंद हो जाती है फेल हो जाती है अब जब किडनी काम करना यहाँ पर फेल होगी तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे जो टॉक्सिक वेस्ट है जो टॉक्सिक वेस्ट है यहाँ पे सच एज यूरिया वो बॉडी में बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा और आप सभी को पता है यूरिया बॉडी में बिल्डअप होगा यूरिया क्या एक टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट है जो प्रोटीन के लेवल में ब्रेकडाउन होने से बनता है अगर ये बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा तो बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाएगा टॉक्सिक हो जाएगा पर्सन की डेथ हो जाएगी तो यूरिया तो छोड़ो बॉडी वाटर को भी जो है बैलेंस आउट नहीं कर पाई किडनी बॉडी में पानी के बैलेंस के साथ साथ फिल्ट्रेशन का काम भी करती है मेन काम तो फिल्ट्रेशन है लेकिन बॉडी में वाटर बैलेंस को भी बनाए रखने का जो महत्वपूर्ण काम है वो हेल्दी किडनी करती है लेकिन अगर यहाँ पे किडनी डैमेज हो जाती है बच्चों जो टॉक्सिक वेस्ट जैसे कि यूरिया की अपन बात करें वो बॉडी में बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाते हैं तो जब यूरिया बॉडी में बिल्डअप होता है प्यारे बच्चों तो टॉक्सिक एनवायरमेंट क्रिएट होता है जिसकी वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है तो जैसे ही किडनी फेल होता है तो इमीडिएट एक्शन क्या होता है बच्चों फटाफट से

चाहिए अगर मैचिंग नहीं होगी तो बॉडी रिजेक्ट कर देगी कि जिसने किडनी दी है वो भी खराब होगी तो मैं तो हालत खराब ही खराब है जिसको भी किडनी फेल की समस्या है तो ध्यान रखिए अच्छा बेचा इसमें एक प्रॉब्लम और है कि भाई कई बार क्या होता है मैंने आमतौर तो पर ऐसा देखा है कि जो तो किडनी का जो तो ट्रांसप्लांट होता है ना वो सक्सेसफुल नहीं जाता मैंने देखा है बच्चों मोस्ट ऑफ द केसेज में मैंने देखा है किडनी ट्रांसप्लांट का जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल नहीं गया तो इस बात का ध्यान रखना कि अपने अपनी किडनी को हेल्दी रखना है किडनी को हेल्दी कैसे रख सकते हैं कि खूब पानी पियो जितना पानी पियोगे किडनी अच्छे से फिल्टर कर पाएगी वेस्ट को यूरिया को अगर पानी नहीं पियेंगे तो किडनी को जोर लगाना पड़ेगा वेस्ट को बिल्डअप वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए प्लस ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखिए शुगर को नॉर्मल रखिए ऑल एंड ऑल आपको बैलेंस डाइट रखनी है और अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है वर्कआउट करना देखिए बच्चों वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही जरूरी है आप देखिए कितनी सारी चीजें जैसे किडनी फेल हो सकती है बीपी से शुगर से इंजरी से इंफेक्शन से रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो तो अल्टीमेटली अगर आपको खुश रहना है तो आपको हेल्दी रहना होगा हेल्दी कह सकते हैं बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है बच्चों बैलेंस डाइट लीजिए एक्सरसाइज कीजिए और पानी खूब पीजिए जितना पानी पी पियोगे तो किडनी आराम से फिल्टर कर पाएंगे पानी नहीं होगा तो किडनी को ताकत लगानी पड़ेगी और किडनी जो है उसके ऊपर जोर पड़ जाता है और ग्रेजुअली धीरे दिर धीरे करके उसकी एफिशिएंसी को कम करता रहता है तो परमानेंट अगर पहली बात तो अपन ऐसी मतलब पहली बात तो अपन ऐसी टाइम ही ना आने दें अब ऐसा टाइम आ गया है बच्चों तो परमानेंट वे क्या है हेल्दी किडनी मैचिंग तो हेल्दी किडनी जो कि मैचिंग होनी चाहिए उससे आप अपनी बॉडी में डालें वो मैचिंग होनी चाहिए तभी जाके पर्सन का जो बॉडी का फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो रिस्टोर हो पाएगा हेल्दी पर्सन वो दोबारा से बनने का अच्छा एक बात और एक जो पर्सन वो एक किडनी पे भी जिंदा रहना चाहिए लेकिन किडनी सही होनी चाहिए जो ये दोनों किडनी एक किडनी से भी पर्सन सर्वाइव यहाँ पे कर सकता है लेकिन किसी कारणवश किडनी नहीं मिली तो अब क्या किया जाए तो इस केस में बच्चों डायलिसिस चलता है इसमें किडनी मशीन लगाते हैं क्या लगाते हैं किडनी मशीन जो होती है वो यहां पर लगाई जाती है किडनी मशीन को बच्चों डायलिसिस मशीन भी बोला जाता है किडनी मशीन इज आल्सो नोन है डायलिसिस मशीन तो भाई अब किडनी हो गई है खराब या फिर किडनी की एफिशिएंसी कम हो गई है एक हेल्दी किडनी नहीं मिल पा रही है या देखो इतना पैसा नहीं होता बच्चों सबके पास किडनी ट्रांसप्लांट करवाही है पहली बात तो कोई देना पसंद नहीं करेगा मिल भी गया तो बहुत डिमांड रहती है जिनके पास पैसा वो करवा लेते हैं और सब लोगों के पास देखो पैसा नहीं होता हर कोई करोड़ों में नहीं कमाता बहुत सिंपल सी बात है इसलिए आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना ही पड़ेगा तो अब किडनी नहीं मिली किसी भी कारण पैसा भी फिर भी किडनी नहीं मिली तो अमरजेंसी एमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या लेते हैं अपन आर्टिफिशियल किडनी यूज करते हैं आर्टिफिशियल किडनी को बच्चों अपन डायलिसिस क्या होता है और डायलिसबल मैमब्रेन वाले पाइप्स होते हैं सेमी परमिबल मैमब्रेन वाले पाइप्स होते हैं बेसिकली जिनमें खून को दौड़ाया जाता, जाता है अब ये uh, जो पाइप्स है इस डायलिस सॉल्यूशन में चलते हैं ये आया गंदा खून आया ये गंदा खून आ रहा है देखिए गंदा इसमें तो गंदगी भी दिखा रहे सोल्यूशन अब पाइप डायलिस सोल्यूशन में घूमता है जो डायलिस सोल्यूशन है बच्चों इसमें क्या होता इस है यूरिया को निकाल लिया जाता है तो इस डायलिस सोल्यूशन में देखिए अब यूरिया निकल गया अब इस वेस्ट सॉल्यूशन को इसमें डाल दिया जाता है फ्रेश सॉल्यूशन भर दिया जाता है और जो खून जो साफ हुआ जिसमें से यूरिया निकल गया वापिस ह्यूमन की वेन के अंदर डाल दिया जाता है तो वापस से 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 सिंपल वेन में डाल रहे हैं हैं और आर्टरी आर्टरी तो उसको बोलते मशीन आर्टिफिशियल किडनी जिसमें वेस्ट खून गंदा खून निकाला जाता है पाइप्स के अंदर चला जाता है डायलिसिंग सोल्यूशन है यूरिया निकल गया साफ खून को वापिस से इधर डाल दिया गया रीनल वेन में और जो गंदा यूरिया वाला डायलिसिंग सोल्यूशन है उसको इधर इकट्ठा कर दिया जाता है और फ्रेश को पंप अप कर दिया जाता है तो इस तरीके से बच्चों ये जो होता है कंटिन्यूसली नहीं होता पीरियडिकली करवाना पड़ता है जब डॉक्टर आपको बताता है भाई आपको हफ्ते में कितनी बार आना है या दो हफ्ते में एक बार आना है महीने में कितनी बार आना है डॉक्टर आपको बताएगा कई बार तो कंटिन्यूअसली भी रहना पड़ता है जब तक तो किडनी नहीं मिलती है तो बच्चों कोशिश करें भगवान ना करेगी अपन को ऐसा दिन देखना पड़े अपन हेल्दी रहें ठीक है बच्चों यही मेरी प्रार्थना है भगवान से आप सभी के लिए और मेरे परिवार और मेरे लिए भी तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा आपको मजा भी आया होगा अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए आज के लेक्चर में बस इतना ही एंड थैंक यू